मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूँ और आज मैं उन दो महिलाओं की बात करती हूँ जिन्हें कभी हम ये समझते थे कि ये देश की आज़ाद भारत की पहली वो महिलाएं हैं जिनको फांसी दी जानी है। ये हैं रेणुका शिंदे और सीमा गवित। इनकी फांसी की सज़ा को मुंबई हाईकोर्ट ने उम्र कैद में बदल दिया है। अदालत ने फांसी की सज़ा में हुई देरी को इसका आधार बनाया है। मैं आपको बता दूं, इसमें ऐड ऑन कर दूं कि ये दोनों महिलाएं थीं पहले कभी पहली महिलाएं जिन्हें फांसी दी जानी थी, लेकिन इस समय जिस महिला को फांसी दी जानी है, जो भारत की पहली महिला होगी, वो है शबनम। या एक और बात है, शायद आप भी सोच रहे होंगे इस बात को, इन दो महिलाओं ने 12 अबोद बच्चों की हत्या की, ये आरोप है इन पे। और शबनम पे आरोप है कि उसने अपने परिजनों को, 7 परिजनों को अपने प्यार के रास्ते से हटाया। दोस्तों, अपराध अपराध ही होता है, उसमें गिनती नहीं होती है। हाँ, जिस समय सज़ा का निर्धारण होता है तो वो चीज़ें काउंट ज़रूर की जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद ये सवाल आपके दिमाग में ज़रूर आ रहा होगा कि जब रेणुका शिंदे और सीमा गवित की फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदला जा सकता है, तो फिर शबनम की फांसी को क्यों नहीं। खैर, ये बात की बात है, ये जो महिलाएं हैं जिनकी फांसी की सज़ा उम्र कैद में बदली है, इन पे ये आरोप है कि इन्होंने मासूम बच्चों की किडनैपिंग करके उनसे अपराध करवाया और उन्हें इन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए यूज़ किया। और जब इन्हें लगा कि इन पे कोई मुसीबत आई है, तो इन्होंने उन मासूम बच्चों को रास्ते से हटा दिया। हालांकि इस काम में इनकी माँ भी शामिल थी, लेकिन पकड़े जाने के एक साल के बाद ही उसकी जेल में मौत हो गई थी, जबकि इन दोनों बहनों को 2001 में कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई थी। माँ और बेटियों पे करीब करीब 125 आपराधिक मामले दर्ज थे। इसमें छोटी मोटी चोरियाँ, पॉकेट मारी, चेन स्नेचिंग भी था, लेकिन इन महिलाओं की खौफनाक कहानी का बहुत छोटा सा वो हिस्सा था। 90 के दशक में इन्होंने चोरी और हत्या की दुनिया से कदम अपने पीछे खींच लिए और इन्होंने एक नया काम कर दिया। रेणुका की उम्र उस समय 17 साल थी, सीमा की उम्र 15 साल थी। इन्होंने अपनी माँ के साथ मिल करके एक बच्चे की हत्या कर दी। दरअसल इस कहानी में भी एक और कहानी छिपी हुई है। अंजनी बाई को उसके पति ने छोड़ दिया था और दूसरी शादी कर ली थी। इस बात से अंजनी बहुत दुखी थी और अपना बदला लेना चाहती थी। शायद यहीं से अंजनी बाई और उसकी बेटियों की दुनिया बदलती है। उन्होंने अपराध की दुनिया में कदम रखा। अंजनी चाहती थी कि उसके जो दूसरी बीवी से बेटी है वो उसकी हत्या कर दे, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं हो सकी और वो पुलिस के हत्थे चढ़ जाती हैं। 90 से लेकर के 96 तक, यानी कि 1990 से लेकर के 1996 तक, केवल 6 सालों में इन तीनों महिलाओं ने दर्जन भर बच्चों को पहले अपहरण किया, उसके बाद उनकी हत्याएं की। अंजनी बाई को उसके पति ने छोड़ ही दिया था और जब इसने दूसरी पत्नी से हुए बच्ची को मारने का प्रयास किया तो ये पुलिस के हत्थे चढ़ती हैं और इनके खिलाफ किडनैपिंग की शिकायत दर्ज होती है। इन महिलाओं ने बच्चों को इतने दर्दनाक तरीके से मारा कि उससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इनकी अपराध की दुनिया की बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन ये महिलाएं इससे पहले कि 14वें बच्चे को अपना शिकार बनाती, पुलिस इन तक पहुंच जाती है। 1996 में पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया और इनको जेल भेज दिया। तीनों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे। रेणुका का पति इस मामले में गवाह बन गया और उसको पुलिस ने छोड़ दिया। उससे सारे
मामले हटा लिए और 1997 में अंजनी बाई की गिरफ्तारी के एक साल के बाद ही, जैसे कि मैंने बताया, उसकी जेल में मौत हो जाती है और दोनों हत्यारी बहनों को 2001 में फांसी की सज़ा सुनाई गई। 2004 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी यही सज़ा बरकरार रखी, हालांकि 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सज़ा पे अपना फैसला सुनाया। बाद में राष्ट्रपति ने भी इन दोनों बहनों की दया याचिका को खारिज कर दिया। सेम स्टोरी जैसा कि शबनम की स्टोरी है, लोअर कोर्ट, अपर कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट, तीनों जगह पे उनकी फांसी बरकरार है। शबनम की, शबनम के साथ सलीम की भी, और शबनम ने भी कोई छोटा अपराध नहीं किया है। जैसा कि पुलिस बताती है, अपने ही परिजनों के 7 लोगों को उसने अपने प्यार के रास्ते से हटाने के लिए ख़त्म कर दिया। अब सवाल ये है कि 12 लोगों के जो हत्यारी बहने हैं उनकी सज़ा फांसी से उम्र कैद में तब्दील हो गई है, तो शबनम की सज़ा भी क्या बदलेगी? मुंबई हाई कोर्ट के इस फैसले को उनकी वकील भी क्या अपनी फाइल में दर्ज करेंगी? क्या इस को एज ए एग्जाम्पल पेश करेंगी? ये सब चीज़ें अभी देखना बाकी हैं। लेकिन हाँ, इस तरीके के जो फैसले हैं जहाँ पे फांसी को उम्र कैद में बदला जा रहा है, इससे शबनम के केस को ज़रूर मदद मिलेगी, बल मिलेगा। फिलहाल इतना ही। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। फिर मिलती हूँ आपसे किसी नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।